What's up nerds, मैं हूँ आंचल और मैं हूँ सुशांत और ये है So guys, Fandom Talks में आज हम react करेंगे Dolittle पे and Downey Jr is back. Yes. वैसे मेरे को ये बात पता नहीं थी, अभी अभी इसने बताई है. Dolittle मेरे को इसलिए पसंद है, हमारे बचपन में एक फ्रेंचाइजी थी Dolittle, डॉक्टर Dolittle 1 और 2. Okay. जिसमें हीरो था एडी मर्फी और वो बहुत ही अब बीइंग एन एनिमल लवर मेरे पास हमेशा से पेट्स रहे हैं और जो घर के आसपास भी लोग थे मतलब पेट्स नहीं रहे बट सेम लोग से मेरा मतलब है कुत्ते और बिल्ली ठीक है और बंदर जो भी थे उन सब से मेरी दोस्ती थी तो एंड यू जो लोग जानवर के बीच में पले बड़े हैं वो जानते हैं कि एनिमल डू टॉक ठीक है आप उनके बीच में रहने लगो तो आप समझ जाते हो तो जब ऐसी एक फिल्म आई थी इतना मजा आया मेरे को देख के उसी तरह एयर बडीज और ये सारी फिल्में हम लोगों ने घरों में बैठ के इतनी देखी है तो देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड टू ब्रदर्स दो शेरों की कहानी है बहुत अच्छी अगर आप लोगों को कभी देखना हो तो ऐसी डॉक्टर Dolittle जब आई तो उसमें एक और डिश था कि भैया आप जानवर इंसानों से बात कर सकते हैं तो और ज्यादा मजेदार चीज हो रही थी तो वो बहुत एक्साइटिंग था उसके बाद वो पता नहीं क्यों पार्ट 3 या पार्ट 4 कभी नहीं बना उस समय बट अब Dolittle रिबूट हुई है और हमारी जनरेशन के सारे आइकॉनिक रोल शर्लॉक होम है आयरन मैन अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही करता है तो वही करेगा एंड ही इज Dolittle तो आई थिंक लेट्स चेक इट आउट सबसे पहले सो गाइस हियर वी गो आई सी ट्रीज ऑफ ग्रीन Red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself Are you Dr. Dolittle? Choice but to embark on this perilous journey. Everyone, pack your bags. You can talk to animals. Babies cry. Watch them grow. Learn much more than I. It's okay to be scared. No. I think to myself. Hello, Barry. Hello, lunch. What a wonderful world. Somehow, we just belong together. Yes, I think to myself. Oh. What a wonderful world. That is quite a cast. I was just about to say, did you see that cast? I think half of them will be voice actors. We have everybody from like Tom Holland to Ralph Fiennes. John Cena. Voldemort is coming back, man. Okay. Michael Sheen. Good Omens dekha kisi ne? Good Omens is good. Yes. So. So. That is such a cute collection of animals, man. Come on. I mean, sab baad mein. But come on. Did you see that polar bear? Hai wo topi ke andar na. Aww. Even the gorilla was cute. Aur mere ko to sare janwar pasand hai aise. Nahi. They were all cute. लेकिन वो टोपी पहन के ना और ज़्यादा yeah I have this theory no matter how big or how giant an animal is they all just want to be like treated like babies okay I know they all have like a little baby baby thing going on और अगर तुम उनको वाकई उनकी तरह ट्रीट करते हो ना तो वो एक दो मिनट नहीं लगाते ऐसे बच्चे बन के I know हरकतें करने में तुम्हारे आगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कोई उनको पैम्पर करे और वो सब करे and that duck yes remember that duck ducks are bossy man ठीक है देहरादून में वो था डियर पार्क वो ऐसे ना लोगों को टेररिज कर देती है डक्स खाना छीनने के लिए उनसे खासकर बच्चों को बच्चे शौक होते हैं हम जाके दें
ठीक है, दे स्नैच थिंग्स फ्रॉम देयर ओ. डक्स आर बॉसी मैन. ठीक है, वेरी बैडस. आई नो. अब एडी मर्फी, जैसा मैंने बोला, एडी मर्फी वाली जो थी वो मॉडर्न जमाने की एक कहानी थी. ठीक है, न्यूयॉर्क या कहीं पे वो रहता है, डॉक्टर होता है, ऐसी कहानी थी. और ये थोड़ी सी स्टीम पंक एरा वाली कहानी है. दिस लुक्स लाइक दैट, है ना, पुराने जमाने की. एंटोनियो और जो बेंडरास है वो इतना बैडस लग रहा है फिल्म के अंदर, है ना, एकदम पूरा सुरमा वरमा लगा के. थोड़ा थोड़ा मेरे को अभी एक फिल्म में चंकी पांडे नहीं आता ऐसे ऐसे लुक में, वैसे उसको ध्यान आया. बिल्कुल आइडिया नहीं है तुम किस मूवी, आई थिंक शायद साफों में था या किसी और फिल्म में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है. बट इट लुक्स गुड. वो विलन होगा ऑफकोर्स, और वो मोगली वाला शेर खान लेके आया शायद पकड़ के. एंड नोबडी इज क्रॉसिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स, दैट इज जस्ट अ लिटिल रेफरेंस. बट डॉक्टर डूलिटल इज वेरी गुड. और मेरे को अभी तक ट्रेलर देखे तो बहुत ही अच्छी लग रही है बच्चों की फिल्म है. प्योर डिज्नी फील है, फील गुड, एकदम ब्राइट कलर्स और एकदम वैसा. रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज अमेजिंग एज ऑलवेज. हालांकि इसमें अभी तक आपको कहानी का कुछ नहीं पता, टीजर का कुछ नहीं पता, मतलब ट्रेलर तो है नहीं, टीजर है, सॉरी. बट द ट्रेलर वाज मोर लाइक प्ले ऑन नॉस्टैल्जिया एक्चुअली. हां, आप पहले से एक मूवी को लव करते हो. हां, एक कैरेक्टर को लव करते हो, एक कैरेक्टर को लव करते हो, और उसका रिबूट इज बेसिकली बेस्ड ऑन नॉस्टैल्जिया. अब ये जो रिबूट है, अब दैट मेक्स मी थिंक, क्या ये किसी नॉवल के ऊपर था या वो, मैंने कभी उसका रिसर्च नहीं करा. और बच्चों ने कभी पढ़ी थी ना, उसके बाद दोबारा कभी ऐसा देखा. ये ओरिजिनल कोई कार्टून था डॉक्टर डूलिटल का, जिसके ऊपर लोगों ने वो फिल्म बनाई थी. बिकॉज दिस लुक्स लाइक कि अगर ये पुराने जमाने में बेस्ड है तो मे बी द ओरिजिनल मटेरियल जो होगा ये उसके ऊपर बेस्ड है, बजाय कि एडी मर्फी वाली मूवीज के ऊपर, जो कि मेरे को पता है जो मैंने देखी थी. और वो भी बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है. हो सकता है उतनी अच्छी ना हो जितना सोर्स मटेरियल, ऑफकोर्स अडेप्टेशन हमेशा उतना अच्छा वर्क नहीं करते. बट दिस लुक्स फन, और मेरे को हमेशा से जानवर वाली फिल्म बहुत पसंद है. और आई लव, आई प्रेफर द कंपनी ऑफ एनिमल्स ओवर ह्यूमंस, लाइक रेडागास्ट फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. आप बताओ आप लोग को कैसी लगी. और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैंस हम सभी हैं, ये तो पूरी जनरेशन उसकी फैन है भाई. तो Yeah. I am Iron Man की बात, I am Dolittle. Boom. You're looking for this. So, yeah. I think I look forward to this. So of do course. I. Of course. है ना? बहुत सारे reason है. Robert Downey Jr. है, Dolittle एक बहुत अच्छा character है. And there's so many babies. Yes. Babies. John Cena, Tom Holland. I think वो duck Tom Holland है क्या? I don't know. Babies. अभी देखना पड़ेगा कौन क्या किसको voice act कर रहा है. But it is going to be funny though. Fun. Yeah. If the duck is Tom Holland, that would be hilarious. Like Tom Holland, because I feel like that is not Robert Downey Jr. ki wajah se ye film mili hai. He has no reason to be here apart from Robert Downey Jr. I just want to know what Ralph Fiennes is doing here. Like, what character is? Maybe the tiger. Maybe. I mean, this is the first time I'm like seeing him anywhere. After the Border franchise. No. He has been in a lot of movies after the Border franchise, but this is the first time I'm seeing him here. Well, John Cena, pata nahi kya kar raha hai isme. But one thing I'm sure. Yep. We can't see him now. So, wo abhi badhiya hai. Wo badhiya. Of course. Jab se John Cena ne chhod diya, tab se zyada achhi ho gayi dekhne. Aisi baat nahi hai. उसने इतना बोर कर रहा था ना एक टाइम पे, इतना बोर कर रहा था कि मैं ही सबका बाप हूँ, बस मैं हारूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए. He was the face that ran the place. खैर छोड़ो. All of that. ठीक है, मैं एटीट्यूड एरा का कैडो, तो मेरे को मत बताओ कि जॉनसन ने क्या करा. But then again, coming back to the film, आप बताओ आपको फिल्म कैसी लगी. Sure. और क्या आप देखोगे, नहीं देखोगे, what do you think? रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसा लग रहा है डूलिटल के रोल में आपको? Right. और आप कितने एक्साइटेड हो ये फिल्म देखने के लिए? डू टेल अस, अभी ट्रेलर आना बाकी है. अभी तो अभी हम बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो ये सिर्फ टीजर ही था. बट लुक्स फन, और अभी से मेरा, मैंने तो मन बना लिया मैं ये फिल्म देखूंगा. आप बताओ आप लोग ये फिल्म देखोगे कि नहीं? एंड लेट अस नो. एंटिल देन, यू नो व्हाट टू डू. सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
Like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram. Of course. Regular updates ke liye, ghanta bajaye. Bye. See you guys.